आना, 12 बज गए अभी तक पीपीटी रेडी नहीं हुई। सॉरी सर, एज आई एम न्यू इन दिस ऑफिस तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्या न्यू जॉइनिंग, 1.5 महीना हो गया तुम्हें यहाँ काम करते हुए। सर एक्चुअली वो मुझे मेरी पीपीटी आज शाम तक मिल जानी चाहिए। श्योर सर। शिवम, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? हाँ तुम बोलोगे तो मैं, मेरा मतलब मेरे हाथ में चीज़ होगी तो क्यों नहीं करूँगा मैं। एक्चुअली मुझे ना आज हाफ डे लीव लेनी थी, मेरी एक फ्रेंड की पार्टी है एंड ट्रस्ट मी वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कल वाली पीपीटी कंप्लीट नहीं है और सर बिना काम खत्म किए जाने नहीं देंगे, सो कैन यू प्लीज़ कंप्लीट दैट? मैं प्लीज़ मना मत करना शिवम, यू नो ना ऑफिस में मैं सिर्फ तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। मैं कर दूंगा। थैंक यू सो मच शिवम, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर द बेस्ट। काम करो, तुम ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। लो, काम जरूरी है। थैंक यू सो मच शिवम, यू नो कोई अपना भी इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए आज किया। ही इज ऑलवेज बी विद मी, आई कांट लूज अ पर्सन लाइक यू। इट्स ओके, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच शिवम फॉर द सरप्राइज। एक्चुअली एक और सरप्राइज है। क्या? आई लव यू हाना। क्या कर रहे हो ये शिवम, उठो तुम प्लीज। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? हाना मैंने कुछ गलत। डोंट टच मी। चाहते क्या हो? सोच भी कैसी लिए कि हार्डली सारी गलती मेरी है। अबे प्यार से दो बातें क्या कर ली? इनके छोटे शहर की छोटी सोच वाला दिमाग काम करना ही बंद हो गया। लिसन, अपनी लिमिट में रहो। हाई बात समझ में? स्टूपिड। सामने से आके प्लीज प्लीज तू बोले, लव वाले इमोजीज तू भेजे, जब पैसे हटने हो तो चिपक के गले तू लगे, ऑलवेज बी विद मी तू बोले, आई रियली लाइक यू तू बोले। और अगर मेरे मन में जरा सी अफेक्शन फील हुई और मैं इस कंफ्यूजन वाले जोन में लटके रहने से बेहतर प्रपोज करना सही समझता हूँ तो मेरा दिमाग मेरी सोच छूटी होगी। मैं जा किसी और को बने, तेरे या किसी और के दिमाग में ये चल रहा है ना कि मैंने एक लड़की को कैसे थप्पड़ मार दी। तो मैंने लड़की को नहीं, एक ऐसे इंसान को थप्पड़ मारा है जो पहले सामने वाले का यूज करे अपने फायदे के लिए। अगर वो आदमी जरा सी एक्सपेक्टेशंस रख ले तो छोटे ही थप्पड़। मैं प्रपोज किया था, मना कर देती, थप्पड़ मारने का हक किसने दिया? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा विश्वास लड़कियों पर से उठ ही नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है सारी लड़कियां तेरे जैसी नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।